प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग अ इलेक्शन रैली देयर, लेट्स गेट यू द लाइव अपडेट्स। इसलिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें हमारे लिए और ज्यादा करनी चाहिए, और इसलिए एक प्रकार से हर किसी को मेहनत का चेप लग गया और हर कोई मेहनत करने लग गया तो गरीबी जाने लगी। भाइयों, मैं जानता हूं कि भारत विकसित होगा तो उसका लाभ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होने वाला है, आपको होने वाला है। भारत विकसित होगा तो हर भारतीय की आय बढ़ेगी, और जब हर भारतीय की आय बढ़ेगी तो मेरे बंगाल के लोगों की भी आय बढ़ेगी, मेरे दुर्गापुर के लोगों की आय बढ़ेगी। हमारे दिलीप जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहां तो वर्धमान में और ज्यादा बढ़ेगी। मैं चाहता हूं धान के कटोरे के रूप में वर्धमान की फिर से जय जयकार हो। मैं चाहता हूं इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में दुर्गापुर की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में सशक्त हो। साथियों, बीते 10 साल में महिला स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। मोदी ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद दी है। आज ये स्वयं सहायता समूह अपना व्यापार कारोबार फैला रहे हैं। मोदी ने इन समूहों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। मोदी गांव देहात की अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में भी जुटा है। इतना कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी बहनों बेटियों आर्थिक रूप से और सक्षम बने, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन साथियों, ये टीएमसी, ये लेफ्ट और ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं? ये दिन रात क्या कर रहे हैं? मोदी का सिर लाठी मारकर फोड़ देंगे। ये कहते हैं मोदी को गोली मार दो, लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। और ये नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं है। ये नामदार लोग समझ लें, गरीब ने कभी डर करके जिंदगी जी नहीं है। और मैं गरीबी से निकला हूं तो डरना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। और हम गरीब लोग जीत के बड़े पक्के होते हैं। एक बार ठान लिया मतलब ठान लिया। मैंने भी ठान लिया है, जितनी नफरत मुझसे करोगे, जितनी गालियां मुझे दोगे, मैं उससे ज्यादा देशवासियों की सेवा करूंगा। साथियों, लेफ्ट और कांग्रेस और टीएम के पास विकास का विजन ही नहीं है। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी किसी राज्य का क्या हाल कर सकती है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये बगल में त्रिपुरा लेफ्ट वालों ने तबाह करके रखा था, 35 साल राज किया, और पिछले 5 साल में बीजेपी ने पूरे त्रिपुरा की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, लेपाले गए तो विकास का सूरज उगने लगा। आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। देश का विकास करना ये इनके बस की बात नहीं है, इन्हें बस एक ही काम आता है, वोट के लिए समाज को बांटो, देश को बांटो। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में
टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई, ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है बंगाल में हिंदुओं के साथ, क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है, जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? भाइयों बहनों, कल जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट पे अपने कुछ कार्यकर्ता मुझे आए थे, मिलना हुआ, उनसे बातें हो रही, तो उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया, एक गीत दिया, संदेश खाली की बेटियों ने, वो कोई संगीतकार लोग नहीं है, वो कवि लोग नहीं है, वहां पर मजदूरी करने वाली बहनें, ऐसी बहनें टेबल थपथपाकर संदेश खाली की मुसीबतों का एक गीत गा रही थी। वो गीत मैंने सुना, बंगाली में गीत है, लेकिन मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं तो हर बंगाली को कहूंगा को संदेश खाली उस बहनों का गीत जरूर सुने, इतना भाव विभोर करने वाला वो गीत है, यानी जो बंगाली नहीं है वो भी समझ जाएगा। और मैं हूं उन 3-4 बेटियां जो गा रही है ना, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात को पहुंचाया है। साथियों, ये टीएमसी तुष्टीकरण में लगी हुई है। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक इंसान से भी बड़ा हो सकता है? क्या ये तुष्टीकरण मानव धर्म से भी बड़ा हो सकता है क्या? साथियों, अब एक नया बात लेकर के आए हैं वोट के भूखे लोग। अब दो चरण में उनकी दुनिया डूब चुकी, तो खुलेआम एक नया खेल लेकर के आए हैं, और पढ़े लिखे कांग्रेस का खासम खास परिवार उसका प्रवक्ता है, अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। हमारे देश में दशकों से ये वोट जिहाद का खेल पर्दे के पीछे चलता था, चुपचाप चलता था। पहली बार वो इतने हताश और निराश हो चुके कि खुलेआम
अब वोट जिहाद की सार्वजनिक माइक पर घोषणा कर रहे हैं। इसलिए वोट जिहाद की इस अपील पर कांग्रेस का शाही परिवार चुप है, यहां टीएमसी का परिवार चुप है, लेफ्ट का परिवार चुप है, यानी कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ये इंडी अलायंस के जो भी चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे वोट जिहाद से सहमत है।